हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आज के इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेमिंगो का लेसन इंडिगो। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिगो एक रियल स्टोरी है और इस स्टोरी को लिखा है लुइस फिश्चर ने। दोस्तों, लुइस फिश्चर 1942 में गांधी जी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम गए थे। वहां पर गांधी जी ने उन्हें इंडिगो की पूरी स्टोरी के बारे में बताया था। गांधी जी ने उन्हें बताया कि ये बात है दिसंबर 1916 की। लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा में गांधी जी गए थे। वहां पर उनसे एक गरीब किसान मिलता है और वो गरीब किसान बताता है कि उसका नाम राजकुमार शुक्ला है और वो चंपारण नाम की एक जगह से आया है और वो चाहता था कि गांधी जी उसके साथ चंपारण चले, लेकिन गांधी जी उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थे तो वो उस किसान से ज़्यादा बात नहीं कर पाते। लेकिन वो किसान हर हालत में गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था, तो गांधी जी जहाँ भी जाते वो किसान उन्हें फॉलो करता। गांधी जी उसके डिटर्मिनेशन से बहुत खुश होते हैं और गांधी जी उससे कहते हैं कि तुम मुझसे कोलकाता में मिलना, मैं वहाँ से तुम्हारे साथ चंपारण चलूँगा। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कोलकाता में मिलता है और वो लोग वहाँ से पटना जाते हैं। पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर जाता है। वहाँ उन्हें पता लगता है कि राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन है। राजेंद्र प्रसाद का हाउसकीपर राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को अछूत मानता है और गांधी जी अनटचेबिलिटी को वहाँ पर फील करते हैं। फिर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर में वे लोग प्रोफेसर मलकानी के घर पर स्टे करते हैं। वहाँ पर गांधी जी वहाँ के लॉयर से मिलते हैं और चंपारण के केस को स्टडी करते हैं। फिर मुजफ्फरपुर से राजकुमार शुक्ला और गांधी जी चंपारण के लिए निकलते हैं। चंपारण के अधिकतर किसान अंग्रेज़ों की ज़मीन पर खेती किया करते थे और अंग्रेज़ों ने उन किसानों से एक एग्रीमेंट साइन करवा रखा था। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसानों को दी गई ज़मीन के 15% हिस्से में किसानों को इंडिगो क्रॉप की खेती करनी थी और उस इंडिगो क्रॉप की फसल को एज अ टैक्स अंग्रेज़ों को पे करना था। लेकिन रिसेंटली जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन कर लिया था और ऐसे में जो फार्मिंग वाला इंडिगो था वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहा, तो अब अंग्रेज़ों ने फिर से किसानों से एक एग्रीमेंट साइन करवाया और इस नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसानों को अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पे इंडिगो की खेती नहीं करनी थी, लेकिन पुराने एग्रीमेंट से फ्री होने के लिए उन्हें अंग्रेज़ों को कुछ अमाउंट पे करना था, जो कि गलत था। गांधी जी इस बारे में बात करने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी गांधी जी से इस बारे में बात करने के लिए मना कर देता है और गांधी जी को चंपारण से जाने का एक लीगल गवर्नमेंट नोटिस मिलता है। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो ये नोटिस को फॉलो नहीं करेंगे और वो चंपारण से नहीं जाएंगे। उसी रात गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम लिखा और उस टेलीग्राम में उनसे कहा कि वे बिहार से चंपारण आ जाए। अगले दिन सुबह गांधी जी कोर्ट जाते हैं और उनका साथ देने के लिए हजारों किसान कोर्ट के बाहर अंग्रेज़ों का विरोध करते नजर आते हैं। अचानक हुए इस आंदोलन से अंग्रेज सरकार बौखला जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो कोर्ट का फैसला आने में डिले करेंगे। गांधी जी इस डिले का अपोज करते हैं। उसी टाइम राजेंद्र प्रसाद वकीलों के एक ग्रुप के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि इस अपोजिशन में गांधी जी को जेल होती है तो वो लोग भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। लेकिन गांधी जी उनसे कहते हैं कि हम केस पहले ही जीत चुके हैं। कुछ ही दिन बाद उपराज्यपाल ने इस केस को बंद कर दिया और इसी के साथ इंडिया में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने जो पैसा इलीगल वे में किसानों से वसूल किया था, गांधी जी ने उसका 50% वापस करने को कहा। उन्होंने 25% वापस करने की बात कही तो गांधी जी ने उनकी बात मान ली। गांधी जी ने चंपारण में काफ़ी पिछड़ापन देखा। गांधी जी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर वहाँ पर काफ़ी स्कूल्स ओपन किए और कस्तूरबा गांधी ने वहाँ के लोगों को साफ सफाई से रहना सिखाया। चंपारण की घटना गांधी जी की लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। गांधी जी चाहते थे कि हर भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे और इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाए। तो दोस्तों, ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ये है इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।